एकम बी स्टूडेंट आर प्रोफेसर रुपेश आर गोबले सीनियर लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। द टॉपिक नंबर इज 1.2 ऑफ यूनिट 1। इन लास्ट प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडीड अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एंड द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इन दिस video we are going to learn about the various types of data structures. Now after watching this video you will able to understand the different type of data structures. Different type ke data structure kaun se hai, difference kya hai between linear and non-linear data structure, aur basic working kya hai sare data structures ka, ye hum ye video dekh ke samajhne wale hain. Now क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में भी आपने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखा है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इट हैज टू टाइप्स, वन इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैज बीन क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज, दैट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, क्योंकि आपने सी प्रोग्रामिंग में यूज किया है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में का भी एक डेटा स्ट्रक्चर अरे आपने सी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट किया है। नाउ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू अरे, क्यूज एंड स्टैक, एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू ग्राफ एंड ट्री। नाउ एज वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियो द डेटा स्ट्रक्चर आर नॉर्मली डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरी, दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। वे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर दैट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, दैट इज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा स्ट्रक्चर It built out of a primitive data structure linked together in such a way that link is binary search tree array is का example है non primitive data structure का जो आपने already C programming में use किया है, trees, graph, etc. Now we'll see in detail what the non primitive data structure is. The data structures that are derived from the primitive data structure are called non primitive data structure. जैसे अगर हम अरे की बात करते हैं तो अरे हम बनाते हैं इंटीजर डेटा टाइप से, तो अरे हम इंटीजर हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, और हमारा अरे वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एम्फसाइज ऑन स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेम टाइप और हेट्रोजीनियस डिफरेंट डेटा आइटम। अभी जो हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इनका कलेक्शन, जैसे इंटीजर का कलेक्शन अगर हम यूज करते हैं अरे, दैट इज अ होमोजीनियस सेम टाइप ऑफ, और हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर आपने सी में स्ट्रक्चर यूज किया है, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ dissimilar type of element, that comes under the non-primitive type of data structure. जो non-primitive data structure होते हैं, that are classified into two categories. One is linear data structure, another one is non-linear data structure. Linear data structure में data linearly in a sequential form stored होता है, और sequential form में ही data access होता है, one after another. In non-linear data structure, data not stored in a linear fashion, or it may access, that is not in a sequence, that's why it is called as non-linear data structure. Now linear data structure. So linear data structures are a kind of data structure that has homogeneous element. इसमें एक तरीके के element होते हैं। The data structure in which elements are in sequence and form a linear series. Linear data structures are very easy to implement since the memory of the computer is also organized in a linear fashion. Some common examples of linear data structures are stack, queue, and linked list.
जैसे देखिए आप कि आपको स्टैक फॉर्म में आपने डिशेस को अरेंज करके रखा है। यहाँ पे टीवी में आप देखते हो कि क्यू लगता है, अगर आप कहीं जाना है, थिएटर में आपको टिकट बाय करना है, सो दैट इट फॉर्म्स अ क्यू, सो दैट इज अ क्यू। सिक्वेंशियली लोग अरेंज होते हैं वन आफ्टर अनदर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लिंक लिस्ट में एक नोड है, उसके बाद दूसरा नोड है, उसके बाद तीसरा नोड है, चौथा नोड है, पांचवा नोड है, लास्ट नोड है। तो दे आर अरेंज सिक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर। क्यू में भी लोग सिक्वेंशियली खड़े हैं, डिशेज भी एक दूसरे के सिक्वेंस में अरेंज है। जब भी हम इसको एक्सेस भी करने जाएंगे तो वन बाय वन एक एक डिश क्या होगी, एक्सेस होगी। यहाँ पे भी वन बाय वन एक एक पर्सन बाहर निकलेगा टिकट खरीद के। यहाँ पे एक एक नोड वन बाय वन एक्सेस होगा, दैट इज नथिंग बट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आइटम इज कनेक्टेड टू सेवरल अदर आइटम। जैसे डेटा हमारा एक सीक्वेंस में या कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर नहीं होगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एग्जिबिट आइदर हायरार्किकल रिलेशनशिप और पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हमारा डेटा नॉन लीनियर फॉर्म में स्टोर होता है। द डेटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन अ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। द डिफरेंट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर ट्रीज एंड ग्राफ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्री रूट नोड होता है ट्री में, उसके बाद सब नोड्स होते हैं और उसके चाइल्ड नोड होते हैं, दैट इज अ ट्री फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा पेड़ देखा है, उसमें रूट होता है, ट्री ब्रांचेस होती है, लीव्स होते हैं, लीव्स होते हैं उसके, दैट इज नथिंग बट अ ट्री स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा डेटा स्ट्रक्चर आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। दिस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में इनको एजेस बोला जाता है और इसको वर्टिसेस बोले जाते हैं। जैसे आपने नेटवर्क मैप देखा होगा, आप कहीं जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो मैप बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नाउ वी विल सी ईच डेटा स्ट्रक्चर इन डिटेल। जैसे अरे ऑलरेडी आपने पढ़ा है, अभी हम उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। An array is defined as a collection of finite number of similar kind of elements or a same data item. जैसे आपका array ये क्या है? Collection है। इसका similar type के data elements का। अगर आपने integer का array बनाया, तो उसमें integer ही stored होंगे, character या float element stored नहीं होंगे। It means array can contain one type of data only. Either all integer, float और character। अब जिसका array बनाओगे उसी वही kind का data उसमें stored होगा। क्या करता है array? तो store करता है data को in contiguous memory location। Sequence में one after another data को store किया जाता है। जैसे ये array देख रहे हैं आप, इधर होता है उसके indexes और ये होता है elements of the array and this is the address where the data is stored in an array। अभी आप देख सकते हो पहला address 1000 है, सेकेंड एड्रेस 1002 है, नेक्स्ट एड्रेस 1004 है। दैट मीन्स डेटा इज स्टोर्ड इन ए कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन और डेटा एक्सेस भी सिक्वेंशियली होगा, दैट इज वन आफ्टर अनदर। दैट्स व्हाई अरे इज कॉल्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है आपका स्टैक। आपने कॉइन्स एक के ऊपर एक अरेंज करके रखते हैं, वैसे देखा है बुक्स आप स्टैक में अरेंज करके रखते हो। तो स्टैक क्या है? तो स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स कैन बी इंसर्टेड ओनली फ्रॉम वन एंड एंड गेट आइटम बैक फ्रॉम द सेम एंड एंड इट इज कॉल्ड एज सॉकेट। आपने सीडी केस देखा होगा, सीडी केस में आप सीडीज इंसर्ट करते हो और अगर आपको कोई बीच में की सीडी निकालना है तो पहले ऊपर की सीडी निकालना पड़ता है, फिर वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीडी आपको मिलती है। आपको सीडी इंसर्ट करने के लिए भी एक ही एंड होता है और सीडी निकालने के लिए भी एक ही एंड होता है। तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द स्टैक। एंड इन स्टैक वी कैन इंसर्ट द एलिमेंट फ्रॉम द सेम एंड एंड वी कैन डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द सेम एंड एंड दैट एंड इज कॉल्ड एज द टॉप एलिमेंट। द लास्ट आइटम इंसर्टेड इनटू स्टैक इज द फर्स्ट आइटम टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। बफे में आपने प्लेट देखे होंगे अरेंज करके रहते हैं, जो सबसे लास्ट में आई हुई प्लेट है वो सबसे पहले बाहर निकलती है। तो मैकेनिज्म ऑफ द वर्किंग ऑफ स्टैक इज ए लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आती है
वो सबसे पहले एलिमेंट बाहर निकलता है, दैट इज द स्टैक। हियर आर द एग्जांपल ऑफ स्टैक ऑफ कॉइंस, स्टैक ऑफ बुक्स। एंड कंप्यूटर में किस तरीके से स्टैक वर्क होता है, तो इस तरीके से डेटा हमारा अरेंज हो रहा है, हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं सेम एंड से और डिलीट कर रहे हैं अनदर एंड से। नेक्स्ट इज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। नाउ क्यू इज अ वेरी कॉमन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्यू इज पीपल्स आर वेटिंग इन अ क्यू। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, लोग लाइन में खड़े हैं, जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले बैंक में सर्विस मिलेगी और वो सबसे पहले अपना काम करके बाहर जाएगा। उसके बाद ये सेकंड पर्सन का नंबर लगेगा, देन थर्ड। तो क्यू इज अ लीनियर लिस्ट इन विच डेटा कैन ओनली बी इंसर्टेड एट वन एंड कॉल्ड द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द अदर एंड कॉल्ड द फ्रंट। डेटा इंसर्ट एक एंड से होता है जिसको बोलते हैं रियर एंड, और डिलीट एक एंड से होता है दैट इज फ्रंट एंड। जैसे यहाँ पे ये पर्सन बाहर निकलेगा, ये एक एंड हो गया, और नया पर्सन यहाँ पे ऐड होगा वो वन एक एंड हो गया। तो ये मेरा हो गया फ्रंट एंड और ये मेरा हो गया रियर एंड। तो दिस रिस्ट्रिक्शन इंश्योर दैट द डेटा इज प्रोसेस थ्रू क्यू इन द ऑर्डर इन विच इट इज रिसीव्ड। इन अदर वर्ड अ क्यू इज ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। मतलब जैसे हमारा स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम कर रहा था प्रिंसिपल से, वैसे हमारा क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है, जो पहले आएगा पहले सर्व होगा। नेक्स्ट इज अ लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें नोड्स होते हैं और नोड एक्सेस होते हैं वन आफ्टर अनादर। अ लिस्ट इज अ लीनियर लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइन एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कॉल्ड अ नोड। ये इनको नोड बोला जाता है और ये नोड दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज डेटा टू बी स्टोर्ड एंड सेकेंड पार्ट कंटेन द लिंक दैट इज एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। सो ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन एंड द सेकेंड पार्ट कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड एंड इट इज कॉल्ड द लिंक पार्ट। यहाँ पे ही डेटा सिक्वेंशियली स्टोर हो रहा है और एक्सेस भी वन आफ्टर अनादर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। अ ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ नोड्स ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्की। जैसे अगर मुझे किसी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताना है जिसमें प्रेसिडेंट ऊपर में होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर सीईओ, फिर मैनेजर, देन एम्प्लॉयज, देन लेबर, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर अगर मुझे डेटा का रिप्रेजेंट करना है तो उस केस में मेरा ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो ट्री इज अ हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर इन विच स्टोर द इंफॉर्मेशन नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की स्टाइल। हायरार्की स्टाइल में डेटा को स्टोर करते हैं। इट इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि ये डेटा सिक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर नहीं कर रहा है वन आफ्टर अनादर। इट रिप्रेजेंट द नोड कनेक्टेड बाय एजेस। नाउ यू कैन सी रूट में हमेशा एक नोड होता है जिसको बोला जाता है रूट नोड। ट्री में हमेशा एक नोड है दैट इज कॉल्ड रूट नोड। ये एजेस होती है ट्री की और दीज आर दी नोड्स। कुछ लीफ नोड है, कुछ सब ट्रीज है, चाइल्ड नोड है। ये सारे टर्मिनोलॉजी हम जब ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हम समझना चाहते हैं कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता कैसे है और किस फॉर्म में उसमें डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट इज अ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में, नेटवर्क मैप में ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। जैसे आपको कहीं का मैप बताना है तो आप ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। तो ग्राफ होता क्या है? तो ग्राफ इज अ मैथमेटिकल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मेनी काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे मैप हो गए, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए, उसमें आप ग्राफ यूज करते हो। अ ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस विच कनेक्टेड। अभी ये एजेस है, ये वर्टिसेस है, जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 दीज आर नथिंग बट द वर्टिसेस। अब इसको इन वर्टिसेस को कनेक्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं एजेस। अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ नोड कॉल्ड वर्टिसेस एंड द कनेक्शन बिटवीन देम कॉल्ड एजेस। तो मैथमेटिकली हम ग्राफ बोलते हैं इट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ ages. Now from this video you had learned about the concept of